नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। अगर आपने शिबा इनू कॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है तो आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। सवाल नंबर पहला, शिबा इनू कॉइन 1 INR 1 सेंट या फिर 1 डॉलर के ऊपर कब तक जा सकता है। सवाल नंबर दो, क्या शिबा इनू कॉइन 2025 तक हमें इतना प्रॉफिट दे जा सकता है कि हमें कभी जो है वो किसी और टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। सवाल नंबर थ्री ये भी होता है कि भैया शिबा इनू कॉइन को कितने सालों के लिए होल्ड करके रखना इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी वीडियो के अंदर आपको तीन सवालों के जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि शिबा इनू कॉइन कौन सी मैकेनिज्म को ले आने वाला है, किस तरीके से सप्लाई डिक्रीज होगी और किस तरीके से शिबा इनू कॉइन आने वाले फ्यूचर में बड़े बड़े माइलस्टोन को अचीव करता हुआ आपको नज़र आएगा। उससे पहले अगर आप चाहें तो इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके फंड सेफ और सिक्योर हैं। वजीर एक्स के ऊपर भी यहां पे केस हो चुका है, काफी ज्यादा ऐसे इंडियन एक्सचेंज हैं जिसको बैन किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो मेरे रेफरल लिंक से हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको $700 का वेलकम बोनस मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहां पर कोड दिया गया है क्योंकि मैंने हॉबी ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप किया है। अगर आप चाहें तो मेरे रेफरल लिंक से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहां पे एक दिन के अंदर $700 का वेलकम बोनस मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, लिमिटेड ऑफर है। यह ऑफर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी जो कि मुझे हॉबी ग्लोबल ने दी है। सबसे पहले अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के बारे में, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के अंदर 1% ट्रांजेक्शन फी सेट कर दी जाएगी ब्लॉकचेन आने के बाद। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अज्यूमिंग ट्रांजेक्शन बर्न्स इज 1% ऑन शिबा स्वैप, यानी कि क्लियरली बताया गया है कि शिबा स्वैप के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके अंदर शिबा इनू कॉइन बर्न होगा 1%। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अस्यूमिंग ट्रांजेक्शन्स बर्न इज एन एडिशनल 1% फॉर शिबीरियम, यानी कि शिबीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर 1% ट्रांजेक्शन फीस को ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी लिखा हुआ है कि जो स्टेकिंग का ऑप्शन है उसके अंदर 88 ट्रिलियन पर ईयर टोकन डिस्ट्रॉय होंगे और हर मंथ यहाँ पे 3.7 ट्रिलियन टोकन शिबा इनू कॉइन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे शिबीरियम ब्लॉकचेन के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। शिबा स्वैप V2 को अपग्रेड किया जाएगा जिसके अंदर तमाम ट्रांजेक्शन फीस भी हमें देखने को मिलेंगी जो कि शिबा इनू कॉइन के बर्निंग के लिए इस्तेमाल होगी। क्यूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर टॉप ट्रेडिंग कॉइन्स के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं कि वीकली सर्चेस के अंदर भी नंबर 1 आपको शिबा इनू कॉइन देखने को मिल रहा है। क्यूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेडिंग राइड हो रही है। वीबल एक्सचेंज के ऊपर भी नंबर 1 के ऊपर शिबा इनू कॉइन वीकली वीबल पॉपुलर क्रिप्टो के अंदर ट्रेंड हो रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के बारे में, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सतोशी कुसामा ने क्लियर कहा था, मे बी यू मिस्ड बट एरिक एंड कार्ल दरिया मेंशन ए वुड पेपर लास्ट नाइट बट द न्यू प्लेटफॉर्म विल हैव शिबर्न शिबा स्वैप V2 शिबीरियम शिबा नेट द ओनली एक्सपेक्टेशन इज ऑन द गेम बट देयर इज ए रीजन फॉर दैट। यहां पे कहा जा रहा है कि भैया शिबा स्वैप V2 के अंदर आपको शिबा इनू कॉइन की ब्लॉकचेन के साथ बर्निंग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा और ट्रिलियंस के अंदर टोकन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि शिबा इनू कॉइन को कहीं ज्यादा कम्युनिटी भी बर्न कर लिए, उसी के साथ अगर शिबीरियम ब्लॉकचेन के साथ 1% ट्रांजेक्शन फीस रखी गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर शिबा इनू कॉइन की हाफ ट्रिलियन यानी कि हाफ जो है वो ट्रिलियंस के अंदर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। 450 ट्रिलियन जो है वो वाइटलिक बुटेन ने बर्न किया था और 3 सालों के अंदर इतना ही बर्निंग हमें शिबीरियम ब्लॉकचेन के आने के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि शिबीरियम ब्लॉकचेन बैकबोन का काम करेगा शिबा इनू कॉइन के इकोसिस्टम को बनाने में। और यहाँ पे शायद इसी वजह से इतनी बड़ी सप्लाई को रखा गया है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे शिबा इनू कॉइन की सप्लाई को भी डिक्रीज किया जाएगा जिससे कि लोगों के साथ प्रॉफिट बनता रहे। ऐसे अगर डायरेक्टली बर्न किया गया तो भैया सबसे ज्यादा तो प्रॉफिट व्हेल्स बुक कर लेंगी, छोटे इन्वेस्टर जो कि $50,000, $100, $50 लगा के बैठे हुए ना वो तो भैया डूब जाएंगे ना। तो इसीलिए यहां पे
सतोशी कोसामा ने एक अच्छी प्लानिंग बनाई है। शिबिरम ब्लॉकचेन के अंदर 1% ट्रांजेक्शन फीस रखी गई है ताकि धीरे धीरे से टोकन स्टेबल रहे और हमेशा से जो लोग हैं वो हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहें। आपने देखा होगा कि लवली नो कॉइन एक बार में 0.00009 तक गया, वहाँ से नीचे गिरा, अब यहाँ पे 0.00002 के सीरीज में चल रहा है। तो लेकिन शिबा इनू कॉइन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर प्राइस स्टेबल रहती है वहाँ पर एक हफ्ते तक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे ब्लॉकचेन भी आने वाली है तो भैया इस टोकन को आपको होल्ड करके रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टोकन के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और आने वाले फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन आपको कमाल करके दिखाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि न्यूज काफी तक पसंद होगी। अगर आप चाहें तो भैया होबी ग्लोबल को ज्वाइन कर सकते हैं, $700 का बोनस यहाँ पे मिस मत कीजिएगा, वेलकम बोनस है सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरल लिंक के ऊपर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत, हरे कृष्णा।